तो नमस्कार किसान भाइयों, किसान फार्मिंग लीडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ एक नए किसान के पास जो कई साल से पिक फार्मिंग कर रहे हैं। तो पहले तो सर का परिचय लेते हैं और सर के फार्म की भी पूछते हैं क्या क्या दिक्कत आती है, कितने जानवरों से सर ने अपना फार्म स्टार्ट किया था, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो एक बार सर जी, अपने किसान भाइयों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर जी। आज नाम मेरा आदेश कुमार है जी, गांव ताजपुर से हूँ और हमारा जो फार्म है ये छपा टोल टैक्स के बिल्कुल निकट है जी। जी तो सर, जो आप जब आपने अपना फार्म स्टार्ट किया था तो कितने जानवरों से किया था सर स्टार्ट? ये हमने 132 जानवरों से स्टार्टिंग किया था सर जी। तो एक बार सर पहले अपने फार्म की विजिट करवाई सर जी। जी तो ये तो सर आपका मेन गेट है सर जी? ये हमारा मेन गेट है जी। देखिए किसान भाइयों, मैंने एंट्री पे चूना जरूर लगा के रखे। जितना आप सुरक्षित रखोगे फार्म को, इतना ही आपके फार्म की लाइफ ज्यादा होगी, आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। सर पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आपने अपना फार्म स्टार्ट किया था जी, कितने जानवरों से किया था और कितनी लागत के जानवर लेकर आए थे सर आप जी? जब हमने अपना फार्म स्टार्टिंग किया था, हमने माल डाला था अपने फार्म के अंदर जी, हमने 132 जानवर डाले थे जी। जी उसमें ग्यापन मादा भी थी जी, बच्चे भी थे जी, क्रॉसिंग मादा भी थी जी, ब्याही हुई भी थी। तो सर, करंट में जानवरों की बात की जाए, आज की तारीख में आपके पास कितने जानवर है सर? हमारे पास 500 से ऊपर जानवर फिलहाल, 500 प्लस जानवर है सर जी। और करंट में सर आपने अभी तक कितने रुपए के जानवर सेल भी किया है सर? हमने सेल कर दिया, आप ये मान लो कि 20-22 लाख तक था हमने माल सेल कर दिया। तो सर स्ट्रक्चर में आपका कितने रुपए का खर्चा आया था सर? हमारा स्ट्रक्चर में खर्चा आया था 20-22 तक का, 20-22 लाख रुपए का खर्चा आया था। और सर मैं आपके फार्म की लंबाई पूछना चाहता हूँ, जो आपका इतना बड़ा फार्म है जी। जी क्या फार्म की लंबाई है, क्या चौड़ाई है सर, एक बार हमारे किसान भाइयों को बताइए। इसमें हमारे जो फार्म की अंदर की लंबाई है, हमारे ऑफिस के और उसके फीट बढ़ा के बाहर 132 फीट लंबाई है जी। 132 फीट लंबाई है और इसकी चौड़ाई कितनी है सर? इसकी 52 फीट लंबाई है, 52 फीट लंबाई है। टोटल केबिन की बात की जाए तो आपके फार्म पर सर टोटल कितने केबिन है? हमारे पास फिलहाल 46 केबिन है। 46 केबिन है जी। सर जैसे कोई नया फार्मर है या आपने इतने दिन से फार्मिंग कर रहे हो जी, जी हमारे किसान भाइयों को बताइए क्या क्या दिक्कत आती है, कौन कौन सी दिक्कत फेस होती है पिक फार्मिंग में सर? दिक्कत देखो सर ये आती है कि जैसा कि बाहर से कोई आदमी आया है जी, मेन गेट पर आया, आपको गेट खुलवा दिया जी, हमने 2 बंदे रखे या 3 बंदे रखे जी, उनसे परिचय करेगा, हाँ भाई मैं यहाँ से आया हूँ जी। पहले मैंने जो बाहर से कोई बंदा है इसे मेन गेट पर आएगा, एंट्री करेगा वो जी। जी वो मेन गेट पर आने के बाद एंट्री करेगा तो वो हमारे जो बंदे रखे हुए हैं हमने जी, उनसे संपर्क करेगा जी। जी उनसे संपर्क करने पर जो अगर हमारे से बात होगी तो वो अंदर आएगा जी फार्म में, नहीं तो इसे मना कर, नहीं तो उसे बाहर से बाहर ही बात करके वापसी कर दिया जाएगा। तो काफ़ी बड़ा फार्म है, मैं दिखा भी पा रहा हूँ सर। जो मैं एक बात बोल पूछना चाहता हूँ, आपके जो पानी की निकासी होती है फार्म की, वे कहाँ जाती है सर? जी 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 ये हमारे पानी की निकासी जो हमारी बाकी जमीन बची हुई थी जी, जी उसमें हमने अपना जोहड़ खुलवा रखा है। अच्छा अच्छा वो हमारे उस जोहड़ के अंदर जाती है। अच्छा जोहड़ के अंदर जाती है जी। हेलो सर, ये पिक फार्मिंग बिजनेस कैसा है सर? फार्मिंग बिजनेस ऐसा है सर, अगर देखो इसमें आपकी और या हमारी गुंजाइश थोड़ी है जी, तो जितना आप करोगे उतना उसका दुगुना मिलेगा जी। ये बिजनेस ऐसा है सर, जैसे आप मैं देख पा रहा हूँ आपने इतना पैसा इन्वेस्ट भी किया है इतना जी, अच्छा, जी, जी। 500 जानवर भी आपके पास। तो करंट में जानवरों की बात की जाए तो कितने रुपए के जानवर हो गए सर आपके पास? हमारे पास तो ये समझो कि फिलहाल के टाइम 50-60 के बीच के जानवर पड़े हुए। अच्छा 50-60 लाख रुपए जी, जी के जानवर है। और सर एक बात हो रहा हूँ जी, जो मैं अपने भाइयों से बताना चाहता हूँ जी, अगर हमें बिजनेस करना जी अपना पिग फार्म का जी, अगर हमें अपना पिग फार्म का बिजनेस चालू करना है जी, तो अगर हमारा बजट 10 लाख का है तो उसमें से आप
8 ही खर्च करो। जी 8 क्यों खर्च करोगे, वो भी सबसे बड़ी बात है। अगर इनके लिए चारा नहीं लाओगे, फीड नहीं लाओगे जी, तो बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। अच्छा, ठप हो जाएगा जी। सबसे मेन बात है इसमें फीड की जी, जितने का हमने माल लिया उससे अगर हमें बच्चा तैयार करना है तो उससे दुगने तक का हमें माल लगाना पड़ेगा 1 साल तक जी। 1 साल के बाद प्रॉफिट की गुंजाइश करो जी, कि 1 साल बाद हमें कुछ प्रॉफिट मिलेगा इसमें। 1 साल का धैर्य रखना जरूरी है। 1 साल तो घर से लगाना ही लगाना पड़ेगा सर। कोई नया किसान है सर जी, किन किन चीजों का सर ध्यान रखना चाहिए? सर सबसे मेन बात तो ये है कि आपको पहले तो साफ सफाई होगी, उसके बाद मैंने साफ सफाई आपको बोली थी जी। लेकिन अगर हमारा कोई नया किसान भाई है जी, तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर उसका बजट 10 लाख का है जी, तो उसे अपना 20% तो स्ट्रक्चर में लगाओ, 20% लगा दो आप अपना माल में जी, ठीक है सर। बाकी अपना बचा कर रखो फीड के लिए। फीड के लिए जी, ठीक है सर। तो जब ये वो फीड उस टाइम काम आएगा जिस टाइम उस बच्चों को और मादा को उस फीड की जरूरत पड़ेगी जी जी। तो साल भर तक ये समझो कि घर से ही पैसा लगाना पड़ेगा इस बिजनेस का धैर्य रखना सर जी। साल भर के बाद ही उस बिजनेस में प्रॉफिट आएगा जी, इस बिजनेस में प्रॉफिट आएगा। देखिए किसान भाइयों साहब ने कितनी अच्छी बात बताई है। मैं अपने किसान भाइयों को सबसे मेन बात बताता हूँ आज, नहीं तो कोई किसान भाई अपने फार्म के बारे में इससे ये बात नहीं बताने का। अपनी सारा तोड़ कर दिया है सारी बातों का, तो कितनी अच्छी बात बताई इन्होंने। इन्होंने सारा बताया, कोई नया किसान है पहले क्या करता है, स्ट्रक्चर में ज्यादा खर्च कर देता है, फिर माधव है, फिर फीड के लिए इसके पास पैसा नहीं होता तो दिक्कत आती है, तो इसका फार्म बंद हो जाता है। फिर बाद में कहता है कि बिजनेस गंदा है, बिजनेस बेकार है, इसे मत करो। तो सर की बातों का ध्यान रखकर ऐसा करीब 50% यानी कि आपका बैकअप जरूर होना चाहिए जी जी। यानी 10 लाख रुपए का, आप 10 लाख रुपए आपके पास है तो 5 लाख का बैकअप होना जरूरी है। बिल्कुल होना चाहिए सर। तो धन्यवाद सर जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी।